Shraddhanand, hame khabar mili hai ke tumhare gurukul mein bomb hai. Tum yahan par bomb banate ho. Ha, main yahan bomb banata hu. Aao, main tumhe apne bomb dikhata hu. Chalo. ये है मेरे बॉम्ब. इनमें से एक एक बॉम्ब तुम्हारे हजार बमों से अधिक शक्तिशाली है. और जिस दिन ये बम फटेगा उस दिन देश में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रहेगा. हर अन्याय, हर आतंक समाप्त हो जाएगा. Nonsense! हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम. तलाशी लो. सर, चप्पा चप्पा छान डाला.
कहीं कुछ नहीं मिला। चलो। धैर्य उपाधीक्षक महोदय। तुम्हारे वायसराय आए थे, उस समय भी मैंने वर्दी में पुलिस को अंदर आने की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि गुरुकुल के इस पवित्र माहौल में पुलिस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब तुम बम ढूंढते ढूंढते यहां आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेकर जाओ। ये लो। इसे ध्यान से पढ़ना, तुम भी अच्छे बम बनोगे। ये है उसके बम बनाने का फॉर्मूला का बुक। यह किसी दयानंद नाम के राइटर का बुक है, बम बनाने के फॉर्मूला का बुक। बहुत चालाक है वो, बहुत होशियार है वो। पता करो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यस सर। सर, स्वामी शरदानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को जयलंडर डिस्ट्रिक्ट के चालवन विलेज में हुआ था। इसके फादर का नाम नानक चंद क्षत्रिय था। इसके बचपन का नाम मुंशी राम था। शुरू में ये किसी भी आम लड़के की तरह ही था, लेकिन सन 1879 में इसकी मुलाकात बरेली के टाउन हॉल में दयानंद सरस्वती से हुई और धीरे धीरे इसके सोचने का दिशा बदल गया। और फिर सत्यार्थ प्रकाश से इंस्पायर होकर ये आर्य समाज का मेंबर हो गया। और सर, इसमें धर्म प्रचार की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने बड़ी तेजी से पूरे पंजाब में आर्य धर्म का प्रचार किया। और पेशे से वकील होने के बावजूद एजुकेशन और सोशल सर्विस की फील्ड में लगातार काम करते हुए 2 मार्च 1902 को कांगड़ी विलेज में इसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके गुरुकुल में वायसराय चेम्स फोर्ट तक मेहमान की हैसियत से जा चुके हैं और उन्होंने 1,00,000 सालाना का डोनेशन ऑफर किया था। देन इसने रिफ्यूज कर दिया। व्हाट, हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई। सर, ये बहुत ही शातिर आदमी है, रही बात इसकी डेयरिंग की तो ये किसी से नहीं डरता। सर, इसने गुरुकुल भी ऐसी जगह पर बनाया है जहां पे जंगली जानवर, चीते और हाथी घूमते हैं। एक दफा रात को 9 बजे इसके ऑफिस में शेर घुस आया। Then? सर, इतना फियरलेस आदमी है कि शेर की आंखों में आंखें घुसाकर उसे देखता रहा, फिर डस्टबिन उठाकर उसके सिर पे दे मारा। डस्टबिन से उड़ते पेपर के टुकड़ों को देखकर शेर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं, और वो डरकर भाग गया। यस सर, ये आदमी इतना शातिर है कि शेर की साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत को पराधीन बनाने के लिए है। हमारी संस्कृति, राष्ट्र और धर्म को नष्ट करने के लिए है। इसीलिए अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल का थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में गुरुकुल में बालकों की शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। यह गुरुकुल उसी का अनुकरण है। आओ। स्वामी जी, मैंने सुना है आपने गुरुकुल के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए ये बोलिए था कि जब तक 30,000 रुपीज आप कलेक्ट नहीं कर लेंगे, अपने घर में कदम नहीं रखेंगे।
और ओनली 6 मंथ्स में आपने 40,000 रुपीज कलेक्ट कर लिया था। आपने ठीक सुना है स्वामी जी, आपके एफर्ट से यह गुरुकुल इतना पॉपुलर हो चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मैथन और गवर्नर जनरल वाइसरॉय चेम्सफोर्ड मेहमान की हैसियत से यहाँ आ चुके हैं और गवर्नर जनरल ने तो आपके गुरुकुल के लिए 1 लाख ईयरली डोनेशन देने का भी ऑफर दिया था, पर आपने गवर्नमेंट का डोनेशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। व्हाई? मैं डोनेशन के लालच में गुरुकुल नहीं चला रहा हूं। मेरा लालच तो मात्र इतना है कि हमारे इस गुरुकुल से बच्चे निकलकर इस देश का भविष्य बने और अपनी मातृभूमि को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराए। और वैसे भी यदि मैं सरकार से चंदा लेता तो मुझे सरकार की सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना पड़ता, जबकि मैं वैदिक सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना चाहता हूं। आपने गवर्नर जनरल को माना कर दिया, आपको डर नहीं लगा कि वो नाराज हो सकते हैं? भय उन्हें लगता है जो स्वयं के हित में सोचते हैं। हमारे गुरुकुल का बच्चा बच्चा भी केवल राष्ट्र हित में सोचता है, इसलिए यहां भय की भावना भी नहीं है। उस बच्चे को देख रही हो? उसका नाम महेंद्र है। एक बार जंगल में शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उसने अपनी हॉकी स्टिक से उस शेर को वहीं मार डाला था। रॉलेट एक्ट का यह कानून एक दमनकारी कानून है। इस कानून के अनुसार किसी को भी कभी भी सरकारी गतिविधियों के विरोध में केवल शक के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। हमें ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए। आर्यों के इस देश में केवल आर्यों का शासन होना चाहिए, किसी विदेशी का नहीं। पर स्वामी जी, हम शासन कैसे बदल सकते हैं? और वैसे भी आज हम इस कानून के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। इस कानून का विरोध ही इस शासन को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी। हमें एक सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र बनाकर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए और जो जहां है उसे वहीं कड़ा आंदोलन करना चाहिए। सरकार के डर से ऐसे प्रतिज्ञा पत्र पर कौन साइन करेगा? मुझे दूसरों का तो नहीं मालूम, किंतु मैं इस प्रतिज्ञा पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करूंगा। वापस लो भारत माता के, वापस लो भारत माता के, वापस लो भारत माता के, वापस लो धनेश, इस आदमी को रोको। इस आदमी के जुलूस में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोको! क्या? भारत माता की जय! भारत माता की जय! वापस लो भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत
माता की, भारत माता की, वापस लाओ वापस लाओ, वापस लाओ वापस लाओ, भारत माता की। आइए आइए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आप लोग, आप लोग यहीं रुकिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलाओ गोली। बंदूक के नीचे करो। जाने दो इनको। गोली क्यों चलाई? इट वॉज अ मिस फायर, अनजाने में चल गया। लेट देम गो। This man is too dangerous for us. Too dangerous. तुमको पता है मिस्टर हक, जिस आदमी को मौत का डर ही नहीं होता है, से ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता है। और इस साधु को भी मौत का डर ही नहीं है, मौत का खौफ ही नहीं है। और यहां का पब्लिक
उसका स्पीच सुनने के लिए पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। रोकना पड़ेगा इंस्पेक्टर हक, रोकना पड़ेगा। बताओ, कुछ समझ में नहीं आता कि इस साधु को कैसे रोका जाए। Do one thing, भड़काओ मुसलमाना को इसके अगेंस्ट, भड़काओ मुसलमाना को इसके अगेंस्ट, ये कहकर भड़काओ ये साधु आर्य साधु है। सर, ये आर्य जरूर है पर मुसलमानों को इक्वली प्यार करते हैं, और यही कारण है कि मुसलमानों ने इन्हें जामा मस्जिद पर तकरीर के लिए बुलाया है। 4 अप्रैल को ये भाषण देने जा रहे हैं। एंड सर, आज तक मिस्टर गांधी को भी मुसलमानों ने जामा मस्जिद में स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया। आज का अखबार देखा आपने? पूरे अखबार में स्वामी श्रद्धानंद की चर्चा है। जामा मस्जिद में वेद मंत्रों के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और मुसलमान जनता उनके भाषण सुन तालियां बजा बजा कर पागल हुई जा रही थी। हिंदू मुसलमान एकता की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। कमाल की लीडरशिप क्वालिटी है स्वामी जी में। तस्वीर काफी अच्छी छपी है। क्या करूं मैं स्वामी का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्प अस। हमारा पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, लेकिन ये एक ऐसा साधु है जो जामा मस्जिद जाता है, वहां भाषण देता और भाषण देके चला जाता है। क्या करूं मैं स्वामी का, क्या करूं? Hey Danish, तुम तो मुझको कुछ गाइड करो कि मुझको इस स्वामी के वास्ते क्या करना चाहिए, कुछ तो बोलो। वाटर सर, आप टेंशन में, वाटर गुड सर। थैंक यू। स्वामी जी, जी सर, हॉट चाय। हमने तो ठीक हो नहीं मांगा। सर मुझको तो मांगना है ना सर। तुमको क्या मांगता है? छुट्टी, हॉलीडे सर। तुमको छुट्टी मांगता है? हम इधर टेंशन में है और तुमको छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगा, गेट आउट, जगह पर काम करो। ओके सर। छुट्टी चाहिए इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। सर वेरी अर्जेंट सर, आई एम गोइंग फ्रॉम गांव सर, छुट्टी चाहिए सर। अरे फूल, हम तुमको बोला ना कि छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ जगह अपना काम करो, इज्जत। ओके सर। सर मुझको तो जाना है सर, वेरी अर्जेंट सर, अननेसेसरी छुट्टी मांगता है, लेकिन छुट्टी चाहिए सर प्लीज। व्हाट, हम तुमको 2 बार बोला कि तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद तुम फिर वापस आए। एक बात बताओ, क्या तुमको हमारे जैसे अंग्रेज ऑफिसर से डर नहीं लगता? क्या तुम आर्य समाज है?
नहीं सर, मैं आर्य समाजी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ सर। तो फिर तुम मुस्लिम आर्य समाजी होगा। मुस्लिम आर्य समाजी, ये क्या होता है? अरे आज पता चला कि अंग्रेज आर्य समाजियों से कितना डरते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं आर्य समाजी बन जाऊं। ना 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 ना, तुम आर्य समाजी मत बना। तुमको अपनी बीवी बच्चों से मिलना है ना, जाना है ना उनके पास, हम तुम्हारा छुट्टी सैंक्शन करता है। और घर जाने के वास्ते हम तुमको कुछ ये पैसा दे रहा है, किसी को मत बोलना कि हम तुमको कुछ दिया। आराम से जाओ, आराम से वापस आओ, खुश रहो, बट हमसे एक प्रॉमिस करो कि तुम आर्य समाजी नहीं बनेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। गो गो, हैप्पी जर्नी। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक ये आर्य समाजी है जो मैं परेशान कर रहा है, और एक ये है जो उसकी गिनती को बढ़ा रहा है। चलो, हमने एक आर्य समाजी की गिनती को कम तो किया, अब हम टी पिएगा। टी? ओह टी, ओह माय गॉड, इट्स वेरी हॉट। स्वामी जी, जलियांवाला बाग में भयानक नरसंहार किया है इन अंग्रेजों ने हमारे भाइयों का। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। गुरुकुल के और छात्रों को साथ ले लो और अमृतसर चलो। कैसी व्यवस्था है जहां घायलों को इस तरह से जमीन पर लिटाकर रखा गया है? डॉक्टर, इन लोगों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कीजिए, क्योंकि ये घाव इनके शरीर पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर लगे हैं। और सुनो, इन लोगों के लिए उत्तम से उत्तम बेड और स्थान की व्यवस्था करो, और इनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, भारत मां की सपूत दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके।
स्वामी जी, जलियांवाला कांड से पंजाब की जनता बेहद आतंकित है। सभी की इच्छा है कि अमृतसर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन को टाला ना जाए। परंतु फौजी कानून के डर से कोई भी कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं है। दायित्व मैं संभालूंगा, क्योंकि अगर यह अधिवेशन यहां नहीं हुआ तो हमारे शहीदों और घायलों का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं होगा। मैं संभालूंगा यह दायित्व। यदि हम अपनी जाति को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपने बच्चों में सदाचार की नींव रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे बच्चे सदाचारी होंगे, हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी होगी, तभी हमारे राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलेंगे। नहीं तो हमारी संतानें विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनकर रह जाएगी। क्योंकि विदेशी शिक्षा केवल विदेशी दिमाग ही बनाती है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो असाधुता और क्रोध के भाव हैं, वो हमारे शत्रु हैं। पॉलिटिकल अधिकारों के शोर मचाने वाले लोग यदि चरित्रहीन हो तो ये देश रसातल में चला जाएगा, क्योंकि जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा राष्ट्र होता है। उच्च चरित्र ही उच्च राष्ट्र का निर्माण करता है। पंजाब स्टेट की हर प्रॉब्लम दिल्ली से चलकर आती है, और इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे स्वामी श्रद्धानंद का हाथ है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो कुछ भी होता है उसका मास्टरमाइंड स्वामी श्रद्धानंद होता है। अरेस्ट करो। ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। 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 Thank you.
आखिर अंग्रेजों ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। सब ईश्वर की कृपा है। बेचारे अंग्रेज कितने परेशान थे आपको अरेस्ट करने के लिए। दिल्ली के सत्याग्रह के दिनों आपको अरेस्ट करना चाहते थे, अमृतसर अधिवेशन के समय भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, गुरुकुल के दिनों जब आपने फंड इकट्ठा करना चाहा तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, दलित उद्धार सभा की स्थापना पर आपको अरेस्ट करना चाहते थे, प्रिंस के दिल्ली आने पर आपने बहिष्कार किया तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, पर अब जाकर गुरु के बाग के सत्याग्रह में बेचारों को आपको अरेस्ट करने की हिम्मत पड़ी है। यस सर, स्वामी जी पेपर और पेन मांग रहे हैं। किस लिए? कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं। व्हाट? किस तरह का आदमी है ये? जेल में रहकर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है? मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला आदमी है जो जेल में बैठकर ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है। सर दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश का ये पहला आदमी जरूर है। ओके, गिव इट टू हिम देन। तकरीर के बाद निजामी ने यह किताब सबको बांटी। और हिदायत दी है कि यह किताब हर मुसलमान के हाथ में होनी चाहिए। हम तो उस गुरु के अनुयायी हैं जिसने अपने विष देने वाले तक को क्षमा कर दिया था। मैं तो प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे गुरुकुल में कई बार मेरे मुसलमान मित्रों ने बिना किसी बाधा के पांचों वक्त की नमाज अदा की है। मेरे ईसाई मित्रों ने अपने धर्म के अनुसार वहां उपासना की है। मैं भी उनके धार्मिक स्थलों पर जाता हूं और दिल से उन स्थलों का मैं सम्मान करता हूं। मैं तो ये सुनकर स्तब्ध हूं कि मेरे प्रिय मित्र ख्वाजा हसन निजामी इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं और ऐसी पुस्तक बांट रहे हैं।
पर स्वामी जी, इस षड्यंत्र का सामना हम कैसे करेंगे? हमें संगठित होना होगा। रही बात इस पुस्तक की, इसका जवाब मैं पुस्तक लिखकर ही दूंगा। कहता है कि आप अछूत हैं, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। आप हमारी ताकत हैं, हमारी शक्ति हैं। यह सत्य है कि आपको सदियों से अछूत कहकर समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया है, पर हम अपने हर दलित भाइयों के साथ हैं। अगर कोई बलात्कारी किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर लेता है या उसे उठाकर ले जाता है, तो इसमें उस स्त्री का क्या दोष? तो इससे उसका धर्म कैसे बदल जाता है? ऐसे लोगों के साथ सहयोग करने के बजाय, इनके साथ हमदर्दी जताने के बदले, आप लोग इन्हें तिरस्कृत करके समाज से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे धर्म में जाने को विवश कर रहे हैं। ये हमारे ही थे और हमारे ही रहेंगे, इसलिए हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे और इन्हें हृदय से स्वीकार करेंगे। कि ये स्वामी हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। एक तो स्वामी की किताब खतरे की घंटी ने हिंदुओं के दिमाग की घंटी बजा दी है, और उस पर ये स्वामी और इसके कार्यकर्ता गांव गांव घूमकर मुसलमान बने लोगों को हिंदू बना रहे हैं। उस पर हम जिन अछूतों को मुस्लिम बनाना चाहते थे, उनके लिए स्वामी आर्य नगर नाम से बस्तियां बसा रहा है, और हम सब यहां बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तमाशा मौलाना साहब, तो आपका काफी करीबी दोस्त रहा है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। कमजोरी उसे होती है जिसके दिल में किसी चीज के लिए कोई लालच होता है, लेकिन इस स्वामी के दिल में तो किसी चीज के लिए लालच है ही नहीं। खैर, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। स्वामी जी,
आपके शुद्धि अभियान से मुसलमान नाराज हो रहे हैं। मैं तो समाज के तिरस्कृत और पीड़ित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे मुसलमान भाइयों को नाराज होना चाहिए। स्वामी जी, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और आप उसके सदस्य हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी समुदाय के लोग नाराज हों। गांधी जी, मैंने जीवन भर जो भी कार्य किया है बड़ी श्रद्धा के साथ किया है, इसीलिए संन्यास धारण करते समय मैंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा। मेरा मानना है कि हम सब एक ही परम पिता के संतान हैं, इसलिए मनुष्य मात्र को मित्र की तरह देखना चाहिए, भाई की तरह देखना चाहिए। पर यदि कोई किसी को दलित समझकर उसके साथ षड्यंत्र करता है या फिर किसी महिला के साथ जबरदस्ती करता है, तो मेरी मानव श्रद्धा कहती है कि मैं उसकी मदद करूं। पर इससे कांग्रेस पार्टी को यदि कोई नुकसान हो रहा है तो मैं इसकी सदस्यता से अभी त्यागपत्र देता हूं। मंदिर के आसपास की सड़कों पर एक मुस्लिम तो चल सकता है, एक क्रिश्चियन भी चल सकता है, पर हमारे दलित भाई नहीं चल सकते। यह अन्याय हम किसकी ओर कर रहे हैं? यह अन्याय हम किसी और की ओर नहीं बल्कि स्वयं की ओर कर रहे हैं, क्योंकि यह दलित भाई कोई और नहीं, हमारे ही आत्मा के अंश हैं, हमारे ही स्वरूप हैं। मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में बड़े प्रयासों से दलित भाइयों के लिए समान अधिकारों का प्रस्ताव पास करवाया था, परंतु काकीनाडा के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि दलितों को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बराबर बांट लिया जाए। यह कैसी मानसिकता है? दलित भाई आदिकाल से वैदिक हैं और वैदिक ही रहेंगे। ये खाएंगे हमारे साथ, पिएंगे हमारे साथ, जिएंगे हमारे साथ और पूजा भी हमारे साथ ही करेंगे। इस अधिवेशन में हमें कुछ ऐसे ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। गांधी जी, आपके लिए स्वामी श्रद्धानंद ने तार भेजा है। स्वामी जी ने लिखा है, कृपा करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभासदों को, जो सेवक रखने के आदि हैं, उनसे कहा जाए कि वो दलित सेवक ही रखें और जो ऐसा न कर सकें उन्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकारी न समझा जाए। ये कैसी बात है? अब हम क्या स्वामी जी की शर्तों पर राजनीति करेंगे? लगता है वाय काम में दलितों के लिए सत्याग्रह के बाद वो अधिक उत्साहित हो गए हैं। भाई होना भी चाहिए, स्वामी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अछूतों को दलित कहकर पुकारा है और अपनी पूरी ताकत से उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर वाय काम है, अछूतों को उन्होंने उनका अधिकार दिलवा ही दिया ना।
गांधी जी, इस तार का उत्तर क्या देना चाहिए स्वामी जी को? अरे उत्तर देने की क्या जरूरत है? क्या हम स्वामी जी को उत्तर देने के लिए बातें हैं? वैसे भी अब स्वामी जी इस कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, उत्तर तो अवश्य देना चाहिए। उन्हें लिख दीजिए कि उनका सुझाव सराहनीय है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार, आइए। स्वामी जी आपसे कुछ बात करनी थी एकांत में। क्यों नहीं, आइए आइए आइए। दीक्षित जी बैठिए। स्वामी जी, दंगों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। आपके कहने से दंगे रुक सकते हैं। आप हिंदुओं को कहिए कि वो मुसलमानों को न मारें। हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। और इस हिंदू मुस्लिम एकता का स्वरूप क्या होगा गांधी जी? एकता परस्पर होती है। प्रेम और एकता एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान पर टिकी होती है। स्वामी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज नहीं मिल पाएगा। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है गांधी जी? स्वामी जी, आप अपने संगठन भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को बंद कर दीजिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को बंद कर दूं, शुद्धि सभा का अभियान बंद कर दूं, तो मैं कर देता हूं। किंतु क्या आप इतने ही अधिकार पूर्वक मुसलमानों से यह बात कह पाएंगे कि वो जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बंद कर दें? स्वामी जी, हमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने तो सदैव ही आपके साथ सहयोग किया है। जब आप साउथ अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे, उस समय हमने और हमारे गुरुकुल के बच्चों ने सर पर मिट्टी ढोके आपके आंदोलन के सहयोग के लिए पैसे भेजे थे। बच्चों ने घी दूध तक खाना छोड़ दिया था। इस बात के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो आपके साथ तो असहयोग की कोई बात ही नहीं है। किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को भी समझा जाए। Oh,
ईश्वर मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं राजनीतिक अवसरवादिता से लड़ सकूं, तुम्हारी सृष्टि में पल रहे मानव मात्र की सेवा कर सकूं, अपने जीवन की हर सांस उनके उत्थान में अर्पित करूं, चाहे जितना भी षड्यंत्र हो, जितना भी विरोध हो, मैं सत्य के मार्ग से कभी न डिगूं और सदैव मानवता की सेवा करता रहूं। मुझे शक्ति दो ईश्वर, मुझे शक्ति दो। स्वामी जी, लोग मीटिंग के लिए आ गए हैं। अंग्रेजी शासन से मुक्ति का सबसे बेहतर तरीका है पंचायती अदालतों की स्थापना। गांव के मसले गांव में ही सुलझा लिए जाएं, जिससे ब्रिटिश अदालत और पुलिस की जरूरत ही न रह जाए, वो नाकाम हो जाए। इसलिए आप सब लोग अपने अपने गांव जाइए और वहां पंचायती शासन की स्थापना की शुरुआत कीजिए। जी स्वामी जी। और आप लोग जो कोई भी काम करें उसकी भाषा केवल हिंदी ही होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे राष्ट्रभाषा का गौरव मिलना ही चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। स्वामी जी, हमारे गांव में कई बाल विधवाएं हैं, उनके बारे में आपके क्या आदेश हैं? उनका विवाह करवाओ, उनका घर बसवाओ, उनकी छीन ली गई जिंदगी उन्हें वापस लौटाओ। समाज में स्त्रियों का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। उनकी खुशी, उनकी शांति और उनकी सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम असगरी बेगम है, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए। मैं क्वेटा से भागते हुए आपके पास आई हूं। तुम शांत हो जाओ, यहां तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। आप जिसे असगरी बेगम कह रहे हैं उसका नाम अब शांति देवी है।
और मैंने उसे जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाया। और ये बात आप मुझसे पूछने के बदले स्वयं शांति देवी से पूछ लीजिए। देखो असगरी, इस कमरे में कोई और नहीं सुन रहा। अगर तुम्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है तो बस एक बार बता दो, कसम परवरदिगार की, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं अपनी मर्जी से हिंदू बनी हूं और मैं वहां लौटकर कभी नहीं जाऊंगी जहां एक औरत की इज्जत नहीं होती। कहाँ है मेरी बेटी? जहां भी है सुरक्षित है। उसे बुलाओ, उसका पति उसे लेने आया है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे धर्म में जबर मना है, जब वो तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहती है तो उसे जबरदस्ती क्यों वापस ले जाना चाहते हो? स्वामी, जो तुम कर रहे हो वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त। मत भूलो हम पठान हैं। मैं अपना सर हथेली पर लेकर घूमता हूं। धर्मपाल, इस आदमी का कान पकड़कर यहां से इसे बाहर निकाल दो। क्या कर रहे हो तुम स्वामी? तुम आग के साथ खेल रहे हो। हमारे धर्म का आधार सत्य, अहिंसा और प्रेम है। तलवारें मिट जाती हैं, तलवार चलाने वाले भी मिट जाते हैं, लेकिन सत्य, अहिंसा और प्रेम कभी नहीं मिटता। स्वामी जी, जब से आपने शांति की शादी कराई है और उसकी सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए हैं, मुसलमानों में बौखलाहट सी मच गई है। हसन निजामी अपने भाषणों में और अखबारों द्वारा लगातार जहर उड़ेल रहा है। यही नहीं, गांधी जी भी, आर्य समाज, ऋषि दयानंद और आपके विरुद्ध लगातार लेख लिख रहे हैं। इससे पूरा मुस्लिम समाज आपके खिलाफ हो गया है। मुस्लिम मेरे खिलाफ हैं, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। एक मुसलम ईमान वाला मुसलमान लाओ, देखो कैसे उसे मैं अपने हृदय में छिपा कर रखता हूं। हाँ।
हम सब एक ही ईश्वर के तो पुत्र हैं। अलग पूजा पद्धति और ईश्वर के अलग रूपों की उपासना से ईश्वर थोड़े ही बदल जाता है। ये तो इस दुनिया के कुछ लोग हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक अवसर के लालच में इस सत्य से इनकार करते हैं। इस निमोनिया ने बड़ी तकलीफ दी है आपको स्वामी जी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अब ठीक होने की इच्छा नहीं है धर्मपाल। ये शरीर अब देश सेवा के योग्य रहा नहीं। अब तो केवल यही इच्छा है कि नए जन्म में नए देह के साथ नए जोश में देश की सेवा करूं और जीवन का बचा हुआ काम पूरा करूं। कौन हो तुम और क्या काम? मेरा नाम अब्दुल रसीद है। मैं स्वामी जी से मिलने आया हूं। स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं है और आपको उनसे मिलने के लिए धर्मपाल जी से अनुमति लेनी होगी। ठीक, मैं फिर आऊंगा जी। फिर आ गए? एक बार मिलके चला जाऊंगा, सिर्फ दर्शन ही करवा दीजिए, बहुत दूर से आया हूं मैं। अरे कौन है धर्म सिंह, उसे अंदर ले आओ। आइए। ना भी कमजोर नहीं हूं कि तुम इतनी दूर से चलकर आओ और मैं तुमसे मिल भी ना पाऊं। कहां से आए हो? कोई विशेष कार्य? जी, आपसे इस्लाम पे चर्चा करनी थी। हाँ,
अभी तो मैं अस्वस्थ हूं, पहले स्वस्थ हो जाऊं, मुझे तुमसे चर्चा करके बड़ी प्रसन्नता होगी। आइए चलिए। पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। Vande Mataram.